क्योंकि बारबेक्यू करनी है ना, तो ये मेन्यू है जनाब अपना, दो चिकन ब्रेस्ट है बोनलेस, चिकन चिकन बीफ ले लिया हमने, ठीक है, और नीचे मसाले वगैरह। तो अभी बिल पे करते हैं और चलते हैं। गाइस 1 2 3 एक बंदा रिवेल करने वाले हैं हम अभी, ठीक है, और वो है जनाब अभी सामान वगैरह निकाल रहे हैं, पहुंच गए हैं, ठीक है। ये अंगीठी है अपनी, ये दूसरा सामान है, और ये सारी पार्किंग है यार, इधर लोग बोल रहे हैं। Out at the campsite, the night's just begun. Tents all set up, we're ready for some fun. The barbecue sizzling, the sand fills the air. With friends all around, there's music everywhere. It's barbecue by the fire, good times never end. Laughter and friendship together we blend. माशाल्लाह, मौसम तो भाई बड़ा प्यारा हुआ पर है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। मैं तो कह रहा हूँ भाई यहाँ पे ना, क्योंकि बारिश एक अल्लाह की रहमत है, ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को पास करें और रहमत अली लाला मीन पर एक दो बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर वीडियो का आगाज करते हैं। सुभान अल्लाह, मौसम बड़ा प्यारा हुआ पर है, हवाएं भी चढ़ रही हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी ख्वातीनो हज़रात, लेडीज़ एंड वेरी वेरी जेंटलमैन, और क्या कहें हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, प्यारे प्यारे व्यूवर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स, सबको ही वेलकम बैक हो गया यार। बहुत ही अच्छे के बाद आए हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं, कैमरा ओपन किया हमने। दरअसल आपको पता था यार इस वीडियो में कि समर स्कूल चल रहा है अपना, समर वेकेशन हुई पड़ी है, लेकिन 2 महीने का समर स्कूल लिया हुआ था जिसमें 2 कोर्सेज थे, तो वही कर रहे थे यार, इसमें ही टाइम गुजर गया अपना। समर जब स्टार्ट होता है ना, समर वेकेशन, तो यहाँ पे 3 किस्म के लोग मिलते हैं आपको। एक तो घूमने फिरने के लिए ना अपनी अपनी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, मल्टी कल्चरल कंट्री है ना, तो डिफरेंट ममालिक से लोग आए होते हैं, तो समर में वो अपनी कंट्रीज़ में ही वो फिर समर गुजारते हैं। दूसरा यानी जिम शिम ज्वाइन कर लेते हैं, लास्ट ईयर हमने भी की। तीसरा ना समर स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है कि जल्दी ग्रेजुएशन हो जाती है आपकी। मैंने कहा यार इस साल हम भी लेते हैं और जल्दी ग्रेजुएट होते हैं यार स्कूल से, ताकि यूनिवर्सिटी जाएं, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो वहीं पे 2 महीने गुजर गए, लास्ट ईयर आपको बताया था कि भाई थोड़ा सीन बनाएंगे यार अगले साल, इंशाल्लाह मज़े मज़े की चीज़ें करेंगे समर में, लेकिन हर दफ़ा ना ज़िंदगी के हालात एक जैसे नहीं होते। तो भाई इस साल भी वही हुआ, अभी ना गाड़ी नहीं देखी मैंने, वो अचानक आई है तो उसने ब्रेक मारी फिर। तो इस साल भी भाई समर स्कूल ले लिया हमने, जिसकी वजह से ना वीडियो नहीं बना सके। अभी 2-3 दिन रह गए हैं भाई स्कूल दोबारा ओपन होने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह यार कोर्स जो लिए थे उसमें सम टाइम ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि कुछ चीज़ें आपकी हक में होती है और कुछ चीज़ें होती हैं आपके अगेंस्ट होती है, जो आप चाह रहे होते हो। तो भाई एक कोर्स हमारे हक में बेहतर हुआ, ठीक है, जितना चाह था उससे 1% ऊपर ही नंबर दिए अल्लाह ने। एक कोर्स में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे तो फिर वो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो जब आपके हक में कोई चीज़ ना हो उसमें सब्र किया जाए, और जो आपके हक में हो उसमें शुक्र अदा किया जाए, तो हमने भी यही किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप कह रहे होगे यार ये इतनी रात हो रही है तो यहाँ कहाँ पर जा रहे हो भाई आप, तो ये रात नहीं है भाई, ये तकरीबन तहज्जुद का वक्त हो गया, ठीक है, बारिश हो रही है अभी ऊपर से, तो अभी फजर में तकरीबन आधा घंटा रह गया, जिसकी वजह से अभी नमाज़ पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह हम फजर की। तो मैंने कहा यार सुबह सुबह ना कैमरा ओपन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से, अल्लाह के बरकत नाम से भाई दिन का आगाज़ करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं पहले। और यहाँ भी यार बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं, वो ये कि जिनके साथ आप भाई सुबह सुबह क्रिकेट शिकट खेलते हैं, ठीक है, और उसके बाद सुबह सुबह रात सारी, बल्कि नींद नहीं आती जब आपका सुबह सुबह टूर्नामेंट होता है, और हर बंदे को भाई उठाते हो आप जाके घर घर में जाके, ठीक है, और उसके बाद क्रिकेट का मैच होता है आपका, फिर भी हार जाते हो क्योंकि फजर की नमाज नहीं पढ़ी होती आपने,
और भी भाई जिनके साथ ये पिज्जे बर्गर खाने जाती हो उनके बगैर आपको मजा ही नहीं आता लाइफ में, जिनके साथ आप दो नंबरियां भी लगा रहे होते हो। कहने का मकसद ये है कि जितने भी दोस्त हैं ना जिनके साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हो आप, इनको जन्नत में भी लेके जाना भाई अपने साथ, इकल्ले मज़ा नहीं आना उधर। तो अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो मैंने कहा यार दोस्त को लेकर जाता हूँ अपने, जिसके साथ हर दिन में वक़्त गुजरता है मेरा, तो उसको भी साथ लेकर जाना चाहिए। अपने दोस्तों को इनवाइट किया करो भाई, पुठे कामों में अगर साथ होते हो ना तो चंगे कामों में भी साथ हुआ करो। तो अभी मैं थोड़ा आगे आ गया, इसको लेता हूँ, कॉल करता हूँ पहले, तो ये आ गया तो फिर आगे चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। Later. यार अभी यहाँ मेरा पानी खड़ा हुआ था, कपड़े थोड़े से ख़राब हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा यार कोशिश अपनी नाकाम ही रही है, मैं तो बड़ी कॉलें की हैं, उसको ना उठाई नहीं उसने। वैसे आम रूटीन में ना हम इकट्ठे ही जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो उस वक्त वो कॉल वगैरह पिक कर लेता है, तो आज मेरा ख्याल गहरी नींद में सोया हुआ है। 15 मिनट रह गए नमाज के लिए, 15 मिनट तो इधर ही गुजर गए इसको उठाते उठाते, तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं, अल्लाह तो फीक दे उसको उठ जाए और तकरीबन कम से कम घर में ही पढ़ लेना नमाज, तो दिन का आगाज़ अच्छा हो जाएगा अपना। तो भाई मैं ये कह रहा था रस्ते में आपको ना एक दो चीज़ें और बयान कर देता हूँ कि सम टाइम ना यार प्लान आपका कुछ और होता है लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है। लास्ट ईयर जैसे कहा था ना कि इस समर में डिफरेंट चीज़ें करेंगे यार, डिफरेंट एडवेंचर्स करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट नेचर्स को डिफरेंट जगहों पर जाएंगे, तो लेकिन ये नहीं हो सका। तो भाई मैं हर दफ़ा कह तो देता हूँ कि रेगुलर होएंगे लेकिन ना आजकल लाइफ बड़ी बिजी हो गई है, तो इंशाल्लाह जब फ्री होएंगे ना, जब स्टडी वगैरह कंप्लीट होएगी उसमें, उसके बाद अच्छे वक्त में जब हम फ्री हो जाएंगे तो जब रेगुलर होएंगे और भी यार इंशाल्लाह इन फ्यूचर बड़े मज़े। अब्बा जी जा रहे हैं भाई, ये अब्बा जी गए हैं अभी, चलो हम जाते हैं मस्जिद, उन्होंने देख लिया मुझे। मुझे ना नेचुरल ब्यूटी देखने का बड़ा शौक है, जंगलों में जाके थोड़ा एडवेंचर करना और भी कैंप शैंप लगाने, ये भी इंशाल्लाह बनाएंगे आगे। तो अभी कैमरा ओपन किया मैंने, तो मैंने कहा यार आज आपको ना थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ, बीच में जब भी टाइम मिला ना यार इंशाल्लाह स्टडी के दौरान तो आपको अपडेट्स दिया करेंगे। ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही क्विट कर दूँ मैं, तो ये ऐसी बात भी नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन रेगुलर वाला सीन नहीं है अभी मेरा, रेगुलर इंशाल्लाह जब भी होंगे, जब हालात हमारे साथ होंगे, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से जब अल्लाह ने चाहा। अभी मस्जिद पहुंच गए हैं, देखते हैं यार बारिश हो रही है तो बारिश में भी कितने लोग आए होंगे। यासीन والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ياسين قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं, उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं तो उनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं। अच्छा जी जनाब, तो अभी हल्का हल्का दिन निकल गया और मैं आपको बता दूं ना तो तकरीबन स्टार्टिंग में ना एक सफ थी सिर्फ, और जब जमात स्टार्ट हुई है ना तो तकरीबन आधी मस्जिद भर गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, फजर के टाइम, यानी आप साफ लगा लो ये हाल है। अभी दिन निकल गया आप चेक कर सकते हैं, तो फजर टाइम देख लो आधी मस्जिद बड़ी हुई है, और ये डेली यही आम रूटीन में होता है। तो माशाल्लाह मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको पहले भी कभी मेंशन किया होगा मैंने कि यहाँ ओंटारियो में और आप हिसाब लगा लें या टोरंटो और स्कारबो के एरिया में ना मुस्लिम कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है अल्लाह के हुक्म से, और मस्जिदें भी आपको हर जगह नज़र आ जाएंगी।
अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप जुम्मे की नमाज में जाते हैं ना और ईद नमाज पढ़ते हैं तो तकरीबन यहाँ पे ना तीन जमातें तो आपको मिल जाएंगी जुम्मा के वक्त और ईद नमाज के टाइम ना। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ना कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक जमात में ना यहाँ लोकल मस्जिद में आपको जगह नहीं पूरी होती यहाँ मस्जिद में, तो तीन जमातें होती हैं। फिर लोग भी अपनी जमात के हिसाब से ना जो आम रूटीन में वो जुम्मा या ईद नमाज पढ़ते हैं उसी हिसाब से वो फिर ज्वाइन करते हैं मस्जिद में, ताकि मस्जिद में जगह जो है बच जाए। तीन इमाम होते हैं और तीन नमाज होती है फिर मुख्तलिफ फकत में, यानी एक एक जमात होगी डेढ़ बजे एक होगी, ढाई बजे एक होगी, तीन बजे। तो ये बताने का मकसद ये है कि माशाल्लाह इस्लामिक कम्युनिटी यहाँ पे स्कारबरो में स्पेशल, और दूसरा जो है अपना इधर टोरंटो में पूरे ओंटारियो में आप हिसाब लगा लें कि काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अल्लाह के हुक्म से लोग आ रहे हैं काफ़ी, और हमारी कम्युनिटी ज़्यादा हो रही है, मस्जिदें भी काफ़ी तमीर हो गई हैं। बाकी मैं आपको बताऊँगा आज का क्या प्रोग्राम है, क्या सीन है, तो इंशाल्लाह आपको आगे वीडियो में मिलती हैं। दिन का आगाज करते हैं यहाँ से लेते हैं। अभी जनाब हमारे पास है 1000 येन, ये जापानीज करेंसी है। देखते हैं यार इसको ना इधर बैंक में आए हैं ठीक है, या इधर ट्राई करेंगे या इधर जहाँ से भी एक्सचेंज होती है मनी, तो देखते हैं कितने डॉलर बनते हैं इसके, इसको एक्सचेंज करवाते हैं फिर। अच्छा अभी वहाँ से तो उसने नहीं किया CIBC से, हम BMO आ गए हैं यहाँ से चेक करते हैं। अभी पैसे देने हमने, देखते हैं। अच्छा जी तो करेंसी एक्सचेंज हो गई और तकरीबन हमें $10 उन्होंने दिए हैं और सीधा बैंक अकाउंट में मेरे सेंड किए उन्होंने। तो मैं समझा यार मोहित भाई जापान बड़ी तरक्की कर गया है, तकरीबन 1000 येन जो है ये तकरीबन $50 तो बनने चाहिए थे, लेकिन ये तो सिर्फ $10 दिए उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने दिया $9.13, चलो अप्रोक्सीमेटली $10 है, $9 और 13 सेंट्स है ना। बात रही तरक्की की तो वो भी हमारा पाकिस्तान की तरह ही रह गए पीछे। नहीं नहीं वैसे जापान बड़ी तरक्की कर गया सही बात है, लेकिन करंसी में तरक्की नहीं की उसने। मुल्क बनाने में तरक्की की, हम तो दोनों तरफ ही मतलब वापस है। हम तो दोनों तरफ ही रगड़े गए। ना मुल्क बनाने में ना करंसी, हमारी तो करंसी नीचे गिर रही है। पॉलिटिक्स ही बस लेकर बैठ गई है ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे को जेल में ही डालो। अच्छा जनाब अभी 12 बज रहे हैं और अपना मौसम ही बड़ा मज़े का यार हैं, और ये मोहित भाई हैं जनाब, यार मोहित भाई नहीं अब्दुल मुगनी भाई, मोहित तो यार काल ही उठा रहा है और साथ आमिर है मेरे, और सामान वगैरह लेना था कुछ उसी के लिए जा रहे हैं हम भी। सामान क्यों लेना था उसकी वजह ये है कि आपको थंबनेल और टाइटल देख कर पता चल गया होगा, बारबेक्यू करने का प्रोग्राम है आज यार लेक पर ना, तो उसी के लिए कुछ सामान वगैरह पकड़ेंगे अभी और देखेंगे वहाँ पे जाके दिखाएंगे आपको। कल जाना आज नहीं? हाँ वो जाना तो वो यार मैरिनेट वगैरह भी करना ना, मसाले मसूले पाने हैं बीच में, तो उसके लिए आज जा रहे हैं। जाना कल है लेकिन वो सामान आज लेके तैयार करेंगे ताकि कल मसला ना बने, क्योंकि बारबेक्यू करनी है ना। तो ये मेन्यू है जनाब अपना, 2 चिकन ब्रेस्ट है बोनलेस तो पर LB, 2 बीफ स्ट्रिप ते यार पढ़ लेना आप ठीक है, बीफ कीमा मीडियम ते 3 अदद है चिकन होल विद स्किन भी पानी है बीच, ते 2 बीफ बोनलेस है। करीब यार ये पाकिस्तानी सुपर मार्केट है, एक बटाला सुपर मार्केट, यहाँ से सामान पकड़ते हैं पहले, लेट्स गो। चिकन बीफ ले लिया हमने ठीक है, और नीचे मसाले वगैरह, तो अभी बिल पे करते हैं और चलते हैं, सामान रख लेते हैं ठीक है। बंद द डिकी नाउ, चलो जी चलते हैं भाई और आपको मिलते हैं फिर आगे। यहाँ से अभी ना कुछ ड्रिंक्स वगैरह पकड़ रहे हैं, दूसरी मार्केट आए हैं ठीक है, यहाँ से थोड़ा चीपर रेट मिलता है। कैनेडा में आपको देखना पड़ता है यार के कहाँ से सस्ती चीज़ मिलती है कहाँ से महंगी, रेट डिफरेंट होते हैं हर मार्केट के, तो यहाँ से अभी ले रहे हैं फिर ड्रिंक्स और फिर चलते हैं। अल्लाह हाफिज़ हसन भाई।
अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू टुमारो। गाइस 1 2 3 एक बंदा रिवेल करने वाले हैं हम अभी, ठीक है, और वो है सुभान अल्लाह पूरी पेशावरी ड्रेसिंग करके आया, चप्पल भी पेशावरी है, चेक करो साफ लाओ इसका है। अस्सलाम वालेकुम दजानी के साथ वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग हो गया है। और पीछे चाचा जी को रास्ता दे दिए जी, दे देते हैं नो प्रॉब्लम। और अभी बारबेक्यू के लिए चलते हैं, पर आगे का माहौल बताते हैं तुम लोगों को। अभी जनाब सामान रख लिया हमने, ये कोयले शोले हैं, ये अंगीठी और सारा सामान इस बैग के अंदर है, ठीक है। बंद करते हैं तो लेक पर जाके आपको मिलते हैं। इसको नपना ना, ठीक हो गया, इसको बंद करते हैं। आए ये मोहित भाई आ गए यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम, पूरा समर यार आपने हमारे बगैर ही गुजारा। नहीं तो आप लोग देख लो यार, इंशाल्लाह मिलते हैं। हाँ हाथ ला दे जनाब। अभी तला भाई को पकड़ा हमने और हमजा भाई को भी पकड़ा, ठीक है। और स्पेस नहीं बन रही, थोड़ी स्पेस बना रहे हैं अभी, सामान वगैरह थोड़ा आगे कर लिया, देख लो। और मोहित ब्रो आ गए यार। अच्छा तला भाई, अगर पुलिस वगैरह आ गई ना तो वो आप इधर 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 अंदर छुप जाना, ठीक है, इधर। हाँ इस तरह अंदर छुप जाना, इसके अंदर चले जाना ना। हाँ इस तरह, इस तरह बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो आपको पता है जुर्माना ठुक जाएगा। हाँ क्योंकि आपको पता ना वो मुझे पता है वो स्पेस का जुर्माना। हाँ थोड़े रूल्स होते हैं ना, मुझे पता है ना, पहले तो हमें मिला था। मिला था आपको? किस तरह? अच्छा, आपको मिला होगा, ऊबर में मिला था। अच्छा ऊबर में मिला था जनाब। अभी सामान वगैरह निकाल रहे हैं, पहुंच गए हैं, ठीक है। ये अंगीठी है अपनी, ये दूसरा सामान है, और ये सारी पार्किंग है यार। इधर लोग और भी आए हुए हैं, पार्किंग इधर फ्री है, वैसे यार फ्री नहीं होती यहाँ पे पार्किंग ना, इतनी बहुत कम पार्किंग आपको फ्री मिलेंगी, जिनमें से ये वाली जो है ना वो भी उनमें से एक है। काफला अपना भाई चल पड़ा, चेक करो रवाना हो चुका है अपना काफला पूरा, ठीक है, सामान सामान पकड़ के। यो तला भाई यार, अरे वो गैंग वो गाना सुना रहे थे, सुनाऊं वो गैंग वाला वो गाना क्या था यार? यहाँ के बच्चे जो है ना वो भी बड़े तेज हैं, यहाँ गाना सुनाऊं वो जो गैंग वाला कर रहे थे आप, वो वो सुनाऊं यार व्यूअर्स को, सुनाऊं ना। इधर बैठो, इधर बैठ के सुनाऊं, आप इधर सुनाओ। ओ माशाल्लाह हलाल गए, हलाल गए। नहीं नहीं आप नहीं सुनाना, आप नाते पढ़ो, कुराने पाक पढ़ो ब्रो। ये गाने छाने कुछ भी नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए भी ख़राब है और आपकी रूह के लिए भी ख़राब है, ठीक है। इस जगह से तो आप वाकिफ हो गए, आपने इस वीडियो में देखा होगा, डेंजर डू नोट एंटर मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन रोड है, जाला इन्होंने बंद किया होगा, लेकिन चलते हैं हम इधर से। बिस्मिल्लाह आ जाओ इधर ना, बड़ी प्यारी सी लेक है, तो वहाँ पे चल रहे हैं अभी हम, आपको आगे जाके लेक दिखाते हैं। अच्छा उन्होंने इधर जाला पता क्यों लगाया हुआ है, ये चेक करो इधर की, आगे मैं आपको ये रोड वगैरह दिखाता हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा यहाँ से चेक कर लो, ये वजह सड़क के ला चेक करो, ये थोड़ा अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ से आए हम, व्यू बड़ा मजे का यार, जंगल टाइप लग रहा है, एडवेंचर हो सकता है पूरा यहाँ पे, ये चेक करो। यहाँ से अभी हम जाएंगे इधर, देखा चेक करो, हर बंदा घुसा हुआ है, हम ही नहीं है सिर्फ, बाल बलूंगे सारे ही घुसे हुए हैं इधर, लोग अपनी फैमिलियाँ भी लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। Shit man, you get the water back. Yo, what are you doing, bro? Thank you so much. Thank you, brother. You too.
Yo, suddenly like, did you put it in? Yeah, I didn't, bro. I didn't. I stopped recording. It's okay, bro. Just hold it. Hold it, man. Let's go. साब लगाओ हाथ पकड़ के जाने अपनी पता नहीं कब बारी आनी है यार इसकी चलो यार पकड़ो ये लेके जा बारी तेरी बारी आ जाएगी उनका एक एक है तू चार करेंगे यार बाकी एक कनाडा में कर लेंगे तीन पाकिस्तान में तलहा तलहा आप क्या कर रहे हो यार रिकॉर्ड करो ये सही तरह ये पकड़ो ये मुझे पकड़ाओ हाँ ये सबको रिकॉर्ड करो चलते हुए अच्छा अभी रिकॉर्ड हो रहा है हम सही तरह कैमरा सही तरह से अंदरूनी जगह पे ये लोग जा रहे हैं अभी ये अवे से पागल अवे इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम ये अवे इस्तेमाल कर रहे हो इसको इसको ब्रो यूट्यूबर बनाना है इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं अब चला भाई आप लोग इस तरह ये लोग है ना मुझे ही समझते सही तरह मुखरा शरीफ अपना दिखाओ मुखरा कैसे करते हो एक ट्रेसपैसिंग थी हमने ट्रेसपैसिंग कर ली एंड मुझे दिखाओ अब हम जा रहे हैं चलो अब बंद कर दो स्टोरी ना पूरी हो जाए हैं अभी दोबारा रिकॉर्ड करेंगे वन सेकेंड वहाँ पे पॉइंट यार ये रास्ता बहुत ही लंबा है कसम मैं तो थक गया हूँ कहाँ दूर से आए हैं वहाँ पीछे से ये हम लोग आ रहे हैं कि वे जा रहे हैं मुझे फॉलो बहुत ही बड़ा रास्ता हाँ बहुत बड़ा रास्ता है अरे मेरी मत मारी गई है मेरी मत मारी गई है ब्रो यहाँ से एक मिनट दिखाओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट अब यहाँ साब लगाओ ये यहाँ से लेफ्ट पे देखो तो लेक है ये पूरा बड़ा रूम है दे ये चेक करो इधर हमने चटाई बिछा ली है इतनी सी यहाँ पे हम करेंगे बारबेक्यू कोयले डाल के ये व्यू है सामने ठीक है यहाँ पे बैठ के ना थोड़ा बारबेक्यू करेंगे और मैं आपको बता रहा था कि कनाडा में ना तकरीबन 2 मिलियन लेक हैं ये उनमें से एक है तो हम इधर इसलिए आए हैं ये थोड़ा करीब पड़ रही थी हमें वैसे बहुत ही बेस्ट लेक है भाई कनाडा में और भी बड़ी ब्यूटीफुल तो ये तो छोटी मोटी थी बस ना यानी बीच भी नहीं इतना प्रॉपर यहाँ पे तो हम इधर कर इसलिए आए हैं करीब पड़ रही है बाकी इन फ्यूचर इंशाल्लाह डिफरेंट जगहों पे भी एडवेंचर एडवेंचर करेंगे यार आजकल आपको पता है लाइफ थोड़ी बिजी हो गई है ठीक है इसलिए कैमरा जल्दी ओपन नहीं करता मैं तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये चेक करो ये दूर जो ये बोटिंग कर रहे हैं जो है ना ये बड़े मज़े ले रहे हैं तो ये बोट शोट ले आते हैं इस तरह लेक में और फिर वहाँ बोटिंग करते हैं सारा दिन यहाँ पे इस तरह भी माहौल बनता है बहुत दूर है ये ना नज़र भी नहीं आ रही तो ये वो चेक करो पीछे भी कुछ हैं ये चेक करो तो इस तरह लोग बोटिंग शोटिंग भी करते हैं इधर ना पानी बड़ा साफ है यार नहाने के लिए कुछ ले आते ओए बड़ा मजे का गया यार दोबारा करो दोबारा फेंको कोई नहीं यार इन्होंने आग भी बाल दी है यार दिखाया ही नहीं अच्छा इन्होंने ना ये यूज किया है आपके लिए ये स्पेशल आपको कोयलों के लिए मिलेगा तो ये थोड़ा ऑयल पड़ा हुआ था ये लिए थे हम और भी इतनी सी कोई चीज होती है वो भी रख दो ना और आग लगा दो तो वो पूरे कोयले को जला देती है और ये कोयले शोले थे यहाँ पे और भी काफी कोयले पड़े हुए हैं ये तकरीबन $35 का पूरा आता है ये ना पूरा पैक $35 का आता है छोटा हो वो थोड़ा $12-13 का आ जाता है ये चेक करो भाई सामान खोल दिया है ओए ये क्या यो ये तो गिर गई है चटनी चटनी सारी नहीं गिरी है चटनी कहाँ है अच्छा चटनी ये रही यार ये मीठी चटनी बनाई थी क्या मजेदार किस्म की है ये टेस्ट करके बताना मुझे तो ये चटनी थोड़ी सी गिर गई है यार तो ये अभी लगाते हैं यार फिर आपको दिखाते हैं है? यहाँ पे ना देखा ज्यादातर अपने साथ ये कुत्ते वगैरह लेकर आए होते हैं आपको हर बंदा यहाँ पे ऐसा मिलेगा यहाँ पे देखो यहाँ पे टुबिया मरवा रहे हैं कुत्ते को लाओ 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 सुभान अल्लाह ओए होए होए ध्यान से आग उसको ना लग जाए बोतल ओए होए होए सुभान अल्लाह
ये वैसे फार्मूला ये वाला ठीक है, जल्दी बल गई आग। Later. कोयले नहीं बर रहे भाई, तकरीबन 10 दफा कोशिश की है हमने, अब अपना ये पेट्रोल ही ना थोड़ा कम पै जाए। कोशिश कर रहे हैं यार कोयले बल जाए बस अपने, नहीं बले तो प्रोग्राम अपना फिर आपको पता ही है वो साफ हो जाना अपने साथ। यो से बिस्मिल्लाह एंड देन डू इट बो मैन, आमिर से बिस्मिल्लाह एंड देन डू इट। मोहिन भाई पूरी जान लगा रहा है अभी यार, ग्लव्स पा लेते हैं और ये ना सीखे वगैरह अभी लगाते हैं ठीक है। आज हाँ, बाद में साथ मिलते, हैं। मिलते हैं आपको बाद में सीखे। फाइनली हो गया यार सीन, पट्ठे पे चढ़ गया, चलो पट्ठी पे चढ़ गया, पट्ठी पे चढ़ गया पट्ठे पे। अच्छा यहाँ पे ना यार एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाले हमारी बोतलें हो गई हैं गरम, तो इनको हम इधर रख देंगे सिर्फ ठीक है। यो पूरी प्रॉपरली इनसाइड द वाटर, ओके ये वाली इधर है ये वाली इधर, आप देखते हैं यार कोल्ड होती है कि नहीं। क्या हुआ उसकी टुई, उसकी टुई को कसम से यार पानी बहुत ठंडा और साफ भी बहुत है, चेक करो पानी साफ भी है, आपके पांव तो गायब हो गए, पानी बहुत ही ठंडा है, बोतलें भी मारी जम भी ना जाए। ओए बच्चा डूब गया, बच्चा डूब गया पीछे, बच्चा डूब गया। फ्लैशबैक, चलो यो आगे क्यों जा रहे हो ब्रो, चलो चलो। और ये लास्ट कपल था यार कसमे, बीच सारा खाली हो गया ठीक है, एंड तक आपको कोई नजर नहीं आएगा। अब ठीक है हैं, अब मजे से आप खाना खाना। क्या हुआ रो रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो हैं, एक्टिंग कर रहे हो। ओए क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो हैं तला भाई, रो क्यों रहे हो यार, ये रो रहा है अभी, रो क्यों रहे हो यार, नहीं नहीं बताओ क्या हुआ है। मारा किसी ने, मारा किसी ने हैं, मुझे बताओ ना रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ तो फिर कुछ करें हम, बताओ रो क्यों। आंख के अंदर मारा उसने, आंख के अंदर हाँ। यार मैं समझाता हूँ, दरअसल ना मगरिब में घंटा रह गया और मुझे अभी याद आया असर की नमाज रह गई हमारी, तो असर की नमाज पढ़ते हैं। तला भाई वो पानी निकालो, पानी निकालो, चलो तलहा आप वजू करो पानी थोड़ा ना, पानी थोड़ा। अच्छा तो अभी इसको करो, अब नाक में डालो, तीन बार करते हैं। नहीं नहीं इसको ठीक है, ये पानी थोड़ा ना इसलिए थोड़ा सा ठीक है। वधू सिखाना चाहिए ना व्यूवर्स को, तरीका सिखा रहा हूँ वधू का। पहले हाथ धोते हैं, पहले हाथ धोते हैं अच्छी तरह, थोड़ा थोड़ा पानी डालो। अभी ना मगरिब में कितना टाइम रह गया, घंटा रह गया ना, टू मिनट्स रह गए माशाल्लाह। तो किबले की डायरेक्शन हमने देख ली है, किबला इधर है और अभी इधर जमात करवाएंगे ताकि हमारे खाने में बरकतें पड़े। तकबीर सुभान अल्लाह। चलो यार अभी मिलते हैं आपको ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद। ये किस तरह हुआ, ये पागल के साथ मैं उड़ कर जला ही दिया मेरे हाथ को। ओए ये वहाँ कोयले पे लगी है, ओए होए ये देखो फूल गया थोड़ा, दिखाओ एक फूल गया ना, ओए क्या हुआ, क्या ये वाला, ये देखो ये दिस वन ब्रो, ब्रो यार थोड़ा है, देखो यार थोड़ा ब्रेव बनो यार, है थोड़ा ब्रेव बनो मेरी जान। सही लग रहे हैं कि नहीं, कमेंट कमेंट मारना यार भाई आपका कैसा लग रहा है, वो मारना है ब्रो मारना है। फाइनली गाइस यार रेडी हो गया दस्तर खान, ये स्टेक है हमारे पास और ये मिक्स मोल है बीफ और चिकन का,
और ये चिकन है और ये भी चिकन है और साथ कबाब है चिकन की। तो अभी खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले। अभी यार खाना खाने लगे हैं बहुत देर बाद, ठीक है तो खाना खाते हैं और आपको ना मिलते हैं बाद में। एक मिनट पहले नवाला बना के ना आपको दिखाते हैं ब्रो। एक मिनट वो दिखाओ, दही लेकर आओ, दही पूरा नवाला बना के दिखाए। नवाला चेक करो ब्रो। चलो ये चेक करो ब्रो। यार मीठी चटनी, यो मीठी चटनी, मीठी चटनी है। नवाला बन रहा है, ठीक है बन गया बन गया। खा लो पहले सारा चेक करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से। ब्रो स्टीक ट्राई करते हैं, स्टीक भी दिखाओ। ओए होए स्टीक, ओए होए होए ये हमजा ये ब्रो पुट इन द मिडल ऑफ इट कुक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ। ओए यार मजा आया, मजा आया। ए यार खाना को आपके साथ एक तरह ना या विद दिस या या ब्रो ये को आ गए रोटी बना रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जल्दी रोटी बना। ये लोग कर रहे हैं यार, ये मोहित भाई इधर रोटी बना के ना नेकियां कमा रहे हैं। मोहित भाई मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों इकट्ठे खाएंगे हैं एंड पे। वो अब्दुल मुगनी भाई गुस्से में उधर जाके खा रहे हैं, क्या हुआ है? पार्ट जाके दिखाओ यार। ये देखो ये वैसे सही है नेचर, बल्कि गुस्से में नहीं नेचर एंजॉय करने के लिए। पीछे दिखाओ साथ व्यू आ रहा और साथ वो माशाल्लाह देखो व्यू एंजॉय कर रहे हैं और हम भी इधर देखो। इधर आओ यार। ओए होए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यो डू यू गाइस हैव समथिंग टू पुट सम फूड इन? खाना खा के हम मिलते हैं यार, ठीक है मिलते हैं इंशाल्लाह। यो स्टेक दिखाए नहीं ब्रो, स्टेक पूरा एक दफा पकड़ो, पूरा पीस खा के दिखाओ। स्टेक का पूरा पीस पकड़ो, हाथ गिराओ और ये वाला पूरा पीस। हाँ ये वाला सारा पकड़ो। हाँ ये लो भाई ये, अब दिखाओ। अब आजो आजो खाओ बीच में बोटी पूरी। ओए होए होए अब खा के दिखाओ। पानी मजे क्या, चटनियां भी आके ले लो आप। माशाल्लाह यार इस सीन के पैसे पूरे हुए हैं। ये चेक करो यहाँ से ना सनसेट हो रहा अभी। हाँ जी हमजा जानी, मजा ही आ गया। और जियो यार जियो, जियो हाथ ला दे हूँ। थोड़ी सी शुगर डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दूध में पानी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा गाइस चाय के साथ वीडियो को एंड करते हैं हम। चाय अपनी बन गई है और अभी चाय की चुस्कियां मारेंगे सनसेट के साथ। सनसेट भी हो गया, सूरज की थोड़ी सी रोशनी रहेगी, थोड़ी रोशनी मार रहा है सूरज बस ना, बाकी रात हो गई है तकरीबन, चेक कर सकते हो आप हैं। तो यो लेट मी गिव यू द रिव्यू ऑफ चाय। नो इट्स गुड, लेट मी सी। यो इज इट हॉट? दिस इज नॉट टेस्टिंग, दिस इज फिनिशिंग एवरीथिंग। यो लाची टू मच ब्रो। Because this guy put the bags for 2 hours. It's good bro, really. Bro, should I put more? Yo, who did you? My mama. MashaAllah, MashaAllah. Bro, 9.6 out of 10. Why 6? Why 9.6? Why not 10? Because he put too much water in the dude. Yeah. मजे किया बोल। मजे किया। यार इस तरह ना सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं यहाँ पे, हर बंदा ड्यूटी देता है अपनी, इसलिए ये कंट्री साफ है बहुत। तो वजह ये है कि ये देखो ये सारा कूड़ा ना इस तरह हमने भी अंदर डाल दिया, और भी जितने भी लोग होते हैं ना वो काम करके ना सारा तो गंद जो है वो उठा के जाते हैं। तो ये फिर आप देखो ना डेली बेस पे लोग आते हैं। हाँ ये आपका मोबाइल है, ये अनस के मोबाइल से रिकॉर्ड करूँ। तो डेली बेस पे ब्रो लोग आते हैं, तो इसी तरह अगर कूड़ा फेंकते रहे तो ये खराब हो जाएगी ना जगह काफी। चलो आमदा हंसो थोड़ा। हाँ सही है यार, दूर से सब कुछ लाना है ना।
तला भाई इधर देखो, हमजा इधर देखो, टिशू ले आना पीछे भी आए, पट्टी भी आए, ये भी आए, लेक नहीं यार तू इधर से कर लेना। ओए 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 यो यो हो गया हमजा, ओए 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 दोबारा करो जियो यार जियो, सुभान अल्लाह जियो माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए नहीं 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 ओए नहीं 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 ओए जानी कम क्लोजर, ये वाला नहीं होगा, ये मेरा ख्याल नहीं पका। थोड़ा करीब आ जाओ ना, करीब भी आ जाओ, पहले दूर से करीब करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। ये आपका बैग था, इसको ढक्कन लगाओ, इसको साइड पे हो गया, सारों का बराबर है। ओके नाउ पुट द ढक्कन अप, यो गिव दिस स्टेक टू द डॉग ब्रो, यो यू रून द स्टेक मैन, दिस इज स्टेक एंड स्टेक शुड बी यू नो प्रॉपर ब्रो, दिस इज लाइक द दैट बोटिया, नेक्स्ट टाइम वी विल बाय लेस एंड सम स्वीट एज वेल। ये देखो यहाँ पे लोग बकायदा रह रहे हैं, यहाँ पे भी देखो आग लगाई हुई है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। यू आर दे होमलेस ब्रो? I don't probably camping. Oh, maybe camping, maybe. Yo, let's go now. Okay. वहाँ पे आग भी लगा रहे हैं, यहाँ पे टेंट लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे कैंपिंग भी चल रही है अभी। रस्सा बड़ा स्केरी है यार। ओए सब आगे पहुँच गए। ओए यो वेट फॉर मी मैन। रस्सा यार बड़ा ड्रोना है यार, कोई चीज ही ना आ जाए इधर से। एक मिनट You are so crazy, bro. How was that, bro? Really?